राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की ईरानी साजिश को एफबीआई ने विफल कर दिया है। ये खुलासा शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग ने किया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सहयोगी फरहाद शकेरी, कार्ली सले रिवेरा और जोनाथन लॉर्डहोल्ट पर मामला दर्ज किया है। मैनहट्टन की संघीय अदालत में दायर आपराधिक शिकायत में बताया गया कि ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में एक भाड़े के हत्यारे फरजाद शकेरी को ट्रंप पर नजर रखने और मौका मिलते ही उन्हें मारने का निर्देश दिया था। इसके लिए उसे $5,00,000 की पेशकश की गई थी। शिकायत में कहा गया है कि अधिकारी ने शकेरी से ये भी कहा था कि यदि वे ऐसा न कर पाए तो वे राष्ट्रपति चुनाव तक रुक जाए, क्योंकि अधिकारी का मानना था कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे तब उनकी हत्या करना आसान होगा। शकेरी ने एफबीआई को पूछताछ में बताया कि रिवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारी ने उसे 7 दिन के भीतर हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए कहा था, लेकिन वह इस साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि साजिश में एक ईरानी और 2 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। दोनों अमेरिकी नागरिकों को बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन और स्टेटन द्वीप से गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने एक बयान में कहा कि दुनिया में ऐसे कुछ कलाकार हैं जो ईरान की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। सितंबर में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने ट्रंप को मारने की संदिग्ध ईरानी साजिश के बारे में बताया था। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय की ब्रीफिंग रिपब्लिकन के तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के खिलाफ 2 असफल घरेलू हत्या के प्रयासों से संबंधित एक योजना पर केंद्रित थी। ये उन पर रिपोर्टों के बीच आई थी जिसमें कहा गया था कि ईरान ट्रंप के अभियान के खिलाफ हैक करने की एक सतत कार्रवाई कर रहा था। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में उस वक्त फायरिंग हुई जब वह एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस घटना में डोनाल्ड ट्रंप के कान से छूते हुए एक गोली निकली थी। इस घटना के करीब 64 दिन के बाद एक बार फिर उन पर हमला हुआ था। उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ईरान ने बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया दी थी। ईरान की ओर से जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आई थी उसमें तो यही कहना था कि ट्रंप की जीत का असर ईरान पर कुछ नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता का कहना है कि दोनों देशों के बीच मुख्य नीतियां पहले से ही तय हैं। किसी आदमी के पद पर आने से कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान की सरकार महंगाई पर काबू करने और डूबती करेंसी को बचाने के लिए कदम उठाने पर जोर दे रही है। शकेरी ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक सदस्य है जो बचपन में ही अमेरिका आ गया था। डकैती के आरोपों में 14 साल जेल में रहने के बाद उसे 2008 के आसपास निर्वासित कर दिया गया था। आगे कहा गया है कि हाल के महीनों में शकेरी ने उन आपराधिक सहयोगियों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जिससे वह जेल में मिला था। उन लोगों को ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की मदद से अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप के ऊपर गोलीबारी की घटना हुई थी। घटना के बाद ट्रंप को तुरंत अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंटों द्वारा मंच से उतार दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।